बुआ भागो बुआ जल्दी भागो बुआ। अरे तेरी फटफटी में आग लगे कीड़े पड़े। तेरे भाई से जाकर कहती हूँ इसे खेलने का खिलौना समझाए क्या अभी। अरे बुआ शिकार करने जा रहे बुआ। आइए दीदी। अरे क्या हो भैया, अपने शाम बुआ की फटफटिया के मारे गांव में किसी का आना जाना दुभर हो गया है। चाचा तो माँ बराबर औरतों के आस पास मोटरसाइकिल नचा रहा है, ये क्या बदतमीजी है। लेकिन तुम इसे समझा दो राम कुमार। ये क्या बदतमीजी है, इतने बड़े हो गए हो, अगर शादी हो गई होती तो एक बच्चे के बाप होते, ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने। यहाँ दीदी जाने दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए। अरे बुआ यहाँ नहीं, बाहर जाके थूकेगा। चुप शैतान। भाभी दो मिनट, और अगर चलने में कष्ट लगे तो इसमें थूक दीजिए। अरे इसे मत छेड़ा कर भैया। तो और किसे छेड़ू भाभी, मुझे छेड़ लिया करो। ये लो भैया, भाभी की सुनो। अरे भाभी आप में और बड़े भैया में मुझे माँ बाप का रूप नजर आता है, क्या माँ को छेड़ना अच्छा लगेगा। अब बात मत करो, उसके जाने का वक्त हो गया है, जाके हलवे का डब्बा ले आ जाओ। हाँ। सुन वो तेरे दोस्त प्रदीप ने कॉलेज में तेरा फॉर्म दे दिया होगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं दिया होगा। अरे क्यों नहीं देगा, उसकी शामत है ये क्या, उसका यहाँ आना जाना बंद नहीं कर दूंगा। अरे कुंवारा रह जाएगा जिंदगी भर, कुसुम जैसी लड़की कहाँ मिलेगी उसे दुनिया में। ठीक है बात मत कर, हलवे का डब्बा ले और जा, तेरे जाने का टाइम हो गया। अच्छा भाई जय हो पंडित जी। 50 वर्ष पहले की बात है, अंग्रेज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स क्लास में आधम का। कौन क्लास में आधम का? इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। उसे देखते ही मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ गया। क्या चढ़ गया? और मैंने बच्चों को गलत पढ़ाना शुरू कर दिया कि बच्चों पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है। तो इंस्पेक्टर बोल उठा, मिस्टर शर्मा पृथ्वी गोल है। मैंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन मैं देशभक्त हूँ, गुलाम देश के बच्चों को यही पढ़ाऊंगा कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है। इससे पहले कि मुझे नौकरी से निकाल दे मैंने इस्तीफा दे दिया। भाई क्या करता? जूते साफ कर रहा हूँ पिताजी। उल्लू के पट्टे, मैं से मुंह पोंछता हूँ, लक्ष्मी से धुलवा देना। सॉरी पिताजी। देखो बेटा या तो कहो सॉरी फादर, वरना कहो मुझे अफसोस है पिताजी। हाँ तो मैं क्या कर रहा था? अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ, आज एडमिशन का दिन है। काहे का दिन है? एडमिशन। देखो लक्ष्मी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आदर करना सीखो। क्या करना सीखो? आदर करना सीखो। और भारतीय संस्कृति पति की बात पर हंसने की इजाजत नहीं देती। क्या नहीं देती? हंसने की इजाजत।
लेकिन तुम औरतों और इस देश को सुधारना मेरे बस की बात नहीं। पिताजी, माँ ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप उन पर इतना बिगड़ रहे हैं? तू भी शुरू हो गई। तेरे भैया पर बिगड़ता हूँ तो तेरी माँ बिगड़ती है, और तेरी माँ पर बिगड़ता हूँ तो तू बिगड़ने लगी। अब बोल मैं किस पर बिगड़ूं? मालिक, आप बिगड़िए मत, आप हथौड़ा चलाइए मुझ पर। आ गए बाबू दमने लाला, ये वक्त आने का। तुमको और इस देश को सुधारना मेरे बस की बात नहीं। मैंने एक सेकंड हैंड बीज बगी देखी। अच्छा, भैया ने तो नहीं दिलाने का भी वादा किया है, अगर वो मिल जाए ना तो मजा ही कुछ और होगा। हाँ यार, और हाँ, भैया भाभी वगैरह ने बहुत पूछा है तेरे लिए। अच्छा भैया, भाभी भैया का तो पूछना सब ठीक है, लेकिन ये वगैरह का पूछना अलग ले जाकर बताइए। वगैरह? अच्छा, कुसुम प्रदीप। अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को तो मैं बदल नहीं सकता। क्या नाम बताया तुमने? सुंदरी सर, सुंदरी गुप्ता। लेकिन अगर तुम जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को एडमिशन ना मिले तो ये मुझ जैसे प्रिंसिपल के लिए शर्म की बात है। जाके फीस भर दो। चंद्रलोक से कब आई प्रिये? आने का कोई पत्र लिख दिया होता, कोई कार्ड भेज दिया होता। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दुष्टो, शांत हो जाओ। नहीं शांत होते तो मैं शांत हो जाता। चुन्नीलाल प्रेजेंट सर। चुन्नीलाल प्रेजेंट सर। चुन्नीलाल प्रेजेंट सर। चिल्लाते क्यों, क्या मैं बहरा हूं? प्रदीप। यस सर। श्याम। यस सर। यार ऐसा हुआ कि घबरा मत, मैंने तेरी हाजिरी दे दी। थैंक्स यार। ये लड़की कॉलेज में नहीं आई हो क्या? नयों का स्वागत करना तो हमारा फर्ज है, अब हम जैसा कहते हैं वैसा करो। गधे की बोली बोलो, गधे की बोली बोल, नहीं तो नंगा करके कथक नचवा दूंगा। अरे बोलती है कि नहीं, बोल बोल, मैंने कहा ना बोल। फिर कभी तूने ऐसी हरकत की जोगिंदर, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, समझा? ये तो तुमने ठीक कहा, कुछ भी सोचने का उन्हें बड़ा शौक है। एक बार तो ये भी सोचने लगे हैं। क्या मटर गश्ती कर रहा है, बैठ जा। मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। अरे चल बात कर। अच्छा देखिए, गलती मेरी ही थी, मेरा ही पांव जरा फैला हुआ था। आप बैठ जाइए, रहने दीजिए रहने दीजिए। Thank you.
बाबू, ओ बाबू, तमाशा खत्म हो गया, बाकी सपना घर जाके देखो। ये बड़े गौरव की बात है कि हम भारतीय हैं। काय की बात है? गौरव की बात। और भारतीय होने का अर्थ क्या है? क्या है कि हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान, ज्ञान। जो तुम में नहीं है। तुम्हारी माँ करेले की कलौंजी बनाकर समझती है कि उसने देश विदेश की सारी समस्याओं का हल कर दिया। जरा प्रदीप को बुला देना। क्या हो गया? तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? मैं? अरे बाप रे, मुझको देखकर ऐसे झपटेंगे, ऐसे झपटेंगे जैसे चूहे पर बेली। जाना, तू तो मेरी बड़ी प्यारी बहन है। बस बस, मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, तो क्लास छोड़कर यहाँ कर चला? सुन बेटा, खाने पीने सोने जागने की तरह हगने मूतने का भी एक समय होता है। क्या होता है? यही तो भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि कोई काम ठीक समय पर होता नहीं। अरे जब सूखा पड़ जाता है तब नहर खोदने की योजना की तैयारी की शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत। काय की शुरुआत? योजना की। हाँ। अरे बेटा, तो अभी तक खड़ा क्यों है? पेशाब की हाजत रोकना नहीं चाहिए, वरना इसी निकर में मुंह देगा। जा। अरे तुम कहाँ जा रहे उसके पीछे पीछे? जा 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 जा। खड़े हो जाओ। तुम्हें जाना है? नहीं। कल शाम को तू कहाँ गया था? अरे तेरे पास ही तो आ रहा था यार, कि अचानक मेरी नजर एक गेहूं के बाली की तरह सुनहरी महकती हुई लड़की पर पड़ी। वो रिक्शे पर बैठकर पिक्चर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? पिक्चर जा रही। हाँ। इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी वो कि मेरे मोटरसाइकिल का ब्रेक खुद ब खुद लग गया। और उसने मुस्कुराते हुए मुझे हाय कहा। मेरे हाय कहने पर उसने हाउ डू यू डू भी कहा। और सोने पे सुहागा ये कि वो मुस्कुराती गई और मुस्कुराती गई। पिक्चर तो धरी की धरी रह गई, लेकिन आहिस्ते से मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया
उसका दूसरा हाथ मेरे गालों पर सुबह की ठंडी हवा की तरह चलने लगा। मैंने उसको चूमा, फिर उसने मुझे चूमा, फिर मैंने उसको चूमा, फिर उसने मुझे चूमा, और फिर हम दोनों का दिल एक गीत के अंकुर में फूटा और हम संगीत के रंग बिरंगे बादलों में उड़ते गए और उड़ते गए। हाँ? मौसम गुल है तुम्हारे रिक्शे पर आने का नाम। वाह 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 वा। यार प्रदीप, ये लड़की कौन है? सुंदरी कुछ ही दिन पहले हमारे घर में किराए पर रहने आई है अपनी माँ के साथ। लेकिन तू अपनी लड़की के बारे में बोल यार। यार यही तो है वो। यही है? पर इसने तो पलट कर देखा भी नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था यार। मैं तुझे एक कहानी सुना रहा था यार। तेरी वो पड़ोसन है, मुझे उससे एक दफे मिला देना यार। अरे मिला देना यार। यार उसने मेरा दिल निकाल कर अपनी जेब में रख लिया है। शी स्टोलन माय दिल यार। यदि कष्ट न हो तो कभी कभार भूले भटके आप लोग क्लास भी अटेंड कर लिया कीजिए, और फिर समय भी हो गया है। सर आज तो हम दोनों क्लास में जा ही नहीं सकते। क्यों श्रीमान? क्योंकि आज सत्याग्रह दिवस है। सत्याग्रह दिवस? जी हाँ बिल्कुल। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। वाह वाह वाह, कितने महान आदर्श देशभक्त हैं। नमस्कार 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 नमस्कार। फूटिए। अरे सुंदरी तो अपने क्लास में जा रही है। अब ऐसा करते हैं, सत्याग्रह तोड़ देते हैं और अच्छे विद्यार्थी की तरह क्लास चलते हैं। आप लोग तो महान आदर्श देशभक्त हैं, नमक सत्याग्रह करो, फिर क्लास में कैसे आ गए? आपकी मधुर वाणी में सुंदरी, मेरा मतलब है सुंदर कविता सुनने के लिए। उसके बिना हमारा जीना संभव नहीं। राजनीतिक दांव पे समझना आसान है, परंतु तुम दोनों की घाते बातें समझना असंभव। पधारिए पधारिए। महाकवि तुलसीदास जी का। श्याम श्याम। जी सर। ये किसने लिखा है? आपने सर। शांति शांति श्याम, कम से कम एक बार तो मेरी तरफ देख लिया करो। सुंदरी ये है मेरा जिगरी दोस्त श्याम। सुंदरी नमस्ते। जानती तो पहले से थी, नाम आज क्लास में मालूम हुआ, पर इतने गोरे चिट्टे आदमी का नाम श्याम क्यों? बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है। जब मैं पैदा हुआ था ना तो बहुत ही काला था काला। हुआ क्या कि डिलीवरी का टाइम हो गया और रंग के कारखाने में हड़ताल शुरू हो गई। स्टॉक में पक्का रंग था नहीं, तो इसलिए मुझ पे कच्चा रंग डाला गया। कच्चा रंग तो कच्चा रंग, मेरी माँ ने मुझे धोबी घाट भेजा, ड्रायर में डाला, वॉश मशीन में डाला, और मुझे ड्राई क्लीन भी किया, और मेरी इतनी धुलाई हुई कि सब रंग निकल गया और मैं बैक टू नॉर्मल। और फिर उसके बाद बस कर। प्रोग्राम क्या है? ये पीरियड खाली है, जरा डिबेट के पॉइंट सोचूंगी। वो नेशनल ड्रेस पे होने वाली इडियोटिक डिबेट। इसमें इडियोटिक क्या चीज है? अंग्रेजों के आने से पहले भी तो हम लोग सभ्य थे। बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी पैदा हो गए हमारे देश में, बड़े बड़े कवि ऋषि कलाकार साइंसदान, कौन नहीं था हमारे देश में? वो धोती कुर्ता पहनते नहीं शर्माए? आपको धोती कुर्ता बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव गुरुवे नमः। गुरुदेव क्या मैं आसन ग्रहण कर सकता हूँ? यहाँ क्या फैंसी ड्रेस हो रहा है? ये आपने क्या कह दिया गुरुदेव? ये वस्त्र तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतिबिंब है, और मैं ये वस्त्र पहनकर आसन ग्रहण की आज्ञा मांग रहा हूँ गुरुदेव। अब बंद कीजिए ये अपना भाषण और जाकर आसन ग्रहण कीजिए और हमें धन्य की। धन्यवाद गुरुदेव। अरे हंस के रहो भाई, मेरी भूति खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई। दो तुम सब म्यूजिक नाउ।
भैया तू हमारे साथ बाहर, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। भैया फैंटास्टिक भैया। कैसी है भैया? यू द ग्रेटेस्ट भैया, यू द ग्रेटेस्ट बड़े भैया। और तू मेरा ग्रेटेस्ट छोटा भैया है। लेकिन एक बात बता, इस बार जब से तू यहाँ आया है एक बार भी गोविंद दास को मिलने क्यों नहीं किया? बहुत दुख है इस बात का उनको। बड़े भैया जाने को तो मैं रोज जाऊँ वहाँ, लेकिन वो बोलने की मशीन है ना निशा, उसके डर से मैं नहीं जाता। हाँ खैर बोलते जरा ज्यादा है, फिर भी मुन्ना गोविंद दास से मिलते रहना चाहिए। वो सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि दोस्त भगवान के बीच की चीज है। भगवान ने जो मेरी तकदीर लिखी थी उसे गोविंद दास ने लगभग दोबारा लिखा है, इसलिए निशा के बबुआ की आड़ लेकर उनसे न मिलना बहुत बुरी बात है। चल आज उनसे मिलकर आते हैं। बड़े भैया पहले मैं ये गाड़ी प्रदीप को दिखाऊं, आप जरा जाके आराम कीजिए ना। शाम घर चल अंजू। सुंदरी तुम, मैं समझा था कि देखो ना मैं नई गाड़ी लाया हूँ, तुम्हें दिखाने के लिए लाया था मैं, आओ ना। आ आ आ आ ये गए। हो यू निशा, इसको यहाँ बिठाओ। इतनी बड़ी हो गई पागल ही रही, ये तो दुल्हन की जगह है। कितना भारी जोड़ा पहना है, ये भी कोई जोड़ा है? छी, अरे तुम्हें वो जोड़ा दिखाऊंगी ना जो मेरी शादी के लिए बना है तो फड़क जाओगी। कम से कम 3-3.5 किलो चांदी सोने के तार लगे हैं, और ये बड़ा रूबी गले की डोरी में। कितनी अच्छी लग रही है ना दूल्हे के साथ। बुआ कहती है कि ऊपर से लिख के आती है जोड़ियाँ। निशा भी थी, बुआ आ गई, खुद ही पूछ लो सच है ना बुआ कि जोड़ियाँ ऊपर से लिख के आती है? हाँ, पर गुड़िया की लगन का मुहूर्त कब का निकला है? बस घड़ी अब आया ही चाहती है। और वर का नाम क्या है? श्याम। नीचे श्याम आया है। श्याम आया है। हाँ। श्याम, अरे 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 अगली ऐसे ही जाएगी क्या? अब तो बड़ी हो गई है, जरा ढंग से कपड़े पहन के जा। चल श्याम बेटे, मुझे सचमुच तुमसे शिकायत है। हा? इतना बड़ा घर मौजूद है पर तुम्हें किराए के कमरे में रहने की क्या जरूरत थी? पिछले साल था अंकल, लेकिन अब बड़ा हो गया है, अलग रहना चाहता है। अरे तो पहले ही क्यों नहीं कहा, मैं आउट हाउस खाली करवा देता। हाँ हाय। अरे आओ बेटे आओ, बैठो। थैंक यू। मगर मैं तुमसे बिल्कुल नहीं बोलती, इस साल तुम यहाँ क्यों नहीं रह रहे हो? बड़े आए किराए के मकान में रहने वाले। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, भूल गई। अरे हाँ, मेरी ब्लैकी ने ना 5 बच्चे दिए हैं और तुम मुझे मुबारकबाद देने भी नहीं आए। पता है वो तुम्हें कितना मिस करती है, रोज तुम्हारे कमरे में जाके कू कू करती रहती है। उसे तुम्हारी तस्वीर दिखा देती हूँ ना तो खुश हो जाती है। अरे हाँ पता है एक और चीज, एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई थी, मुझे 99 टेम्परेचर हो गया था। सिर्फ 99? अरे 99, सारे घर में बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन तुम्हें मिले बगैर मैं थोड़ी मरती। अरे तुम भी कुछ बोलो ना। बोलूं कैसे, जब से तुम आई हो तो नॉनस्टॉप बोली जा रही हो, बोली जा रही हो, ना कॉमा ना कुछ, फुल स्टॉप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मालूम है अगर तुम्हें 106 टेम्परेचर होता ना तो मैं सबको लड्डू बांटता लड्डू। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। अरे तुम क्यों चाय ला रही हो, क्या नौकरों ने इस घर में हड़ताल कर रखी है? ये बात नहीं भैया, राम भैया को हमेशा मैं अपने हाथ से चाय पिलाती हूँ। और चाय के बाद मैं बुआ को अपनी मोटर में जय बजरंग बली दिखाने ले जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगी। हाय कमाल है यार, ये कोई टाइम है आने का? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तेरे घर आने वाला था, शायद तेरी तबीयत ठीक ना हो। तू ठीक तो है ना? शायद तू ही जल्दी आया होगा, मैं तो रोज इसी वक्त आता हूँ। शायद, लेकिन पहले कभी तो इतना बेकरार नहीं हुआ मेरे लिए, क्या बात है? यार कुछ अजीब ही चक्कर चल रहा है। हाँ। पढ़ने बैठता हूँ तो उसकी याद पढ़ने नहीं देती, लगता है कंधे पे झुकी कान में मुझसे कुछ कह रही है। अच्छा। सोने लगता हूँ तो सपने में आ जाती है। यार बहुत तंग कर रही है मुझे। कौन? कुछ करना यार। यार मैं क्या करूँ, अरे भाई प्रेम करते हो उसका हाथ पकड़ कर कह दो। कमाल है, हाथ कैसे पकड़ लूं, जब वो सामने आती है तो हकलाने लगता हूँ। यार तू ही कुछ करना, आखिर दोस्त हो। हाँ। दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। प्रदीप मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं,
इसलिए मैं आज कॉलेज नहीं आ सकी। जरा मुझे नोट्स लिखवा दो ना। हाँ हाँ बैठो। लिखो। परिवार के आय व्यय की सूची यानी एक परिवार की आमदनी और खर्च, और खर्च का विवरण। प्रदीप बेटा खाना खा ले। अभी आया माँ, जरा सुंदरी को नोट्स लिखवा दूं। सॉरी। हाँ, एक परिवार की आमदनी और खर्च का विवरण। मेरा दोस्त शाम भी अपनी आमदनी और खर्च का बजट बना रहा है। तुमको मंजूर हो तो वो तुमसे शादी भी करना चाहता है। हाँ तो क्या लिखा? एक परिवार की आमदनी और खर्च का विवरण। मेरी माँ को मंजूर हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। I like him. Yahoo, Pradeep, you're the greatest friend, यार, you're great, Pradeep. ये खांसी कम बख्ची ने नहीं देती। हटो, कोई ऐसी बात करता है? प्रदीप के पिताजी ने नहीं कहा था कि अब दमे का दौरा नहीं पड़ सकता? अरे भाभी, मर जाने के लिए तो आज भी तैयार हूँ। पर सुंदरी का कुआरापन भी तो ढोना है। जहाँ शादी की बात करो वही दहेज के लिए बड़ा सा मुंह खोल देते हैं। हाँ दीदी, ये तो सच है। तुम्हें अपने दिल की बात बताते हुए मुझे डर सा लग रहा है भाभी। हम दोनों के बीच ये डर कहाँ से आ गया? बोलो। प्रदीप और सुंदरी बड़े प्यार से मिलते हैं। अगर आप जैसे अच्छे लोगों के घर में सुंदरी पे आके जाएगी तो बड़े चैन से रह सकेगी। हाँ, प्रदीप के पिताजी दहेज के कट्टर विरोधी हैं। मैं मौका देख के उनके सामने ये बात निकालती हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भाभी। क्या पढ़ रही हो? एक संदेश। मैं भी संदेश ही लाया हूँ, शाम का। हाँ? बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कैसे जाऊंगी प्रदीप, लोग क्या कहेंगे? लोगों के डर से क्या तुम उसे तड़पाओगी? बेचारा मर जाएगा, बहुत बेकरार है तुम्हारे लिए। वो तो खुद चलाता, लेकिन पिताजी का डर है कि वो फिर अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति, क्या कहा, भारतीय सभ्यता संस्कृति। हाँ बिल्कुल। माँ एक किताब खरीदनी है, मैं बाजार जा रही हूँ। बहाने की क्या जरूरत है, साफ कहो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।
लेकिन तेरी सूरत पर ये 12 क्यों बज रहे हैं भाई? क्या बताऊं यार, ये निशा है ना। कौन निशा? वही सेठ गोविंदास की लड़की। इतनी बड़ी बोर है, मेरा मतलब है 12 बोर है। बातों के इतने छर्रे मारती है कि आदमी ढेर हो जाए। श्याम, हाय श्याम। अरे ये कहाँ से आ गई? कौन है ये? वही निशा, मिस बकबक। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें नया ड्रेस दिखाती जाऊँ। कल ही बम्बई से आया है, सारा मटेरियल इम्पोर्टेड है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। आप प्रदीप ही होंगे श्याम के खास दोस्त? जी हाँ। इनके भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं प्रदीप जैसा दोस्त तो किसी भाग्यवान को ही मिलता है। अच्छा मैं चलती हूँ। ये सुबह ब्रश करने के लिए मुंह खोलती है तो सोने के वक्त ही बंद करती है। श्याम को क्या? सुंदरी। निशा, ये है सुंदरी हमारी क्लासमेट और मेरी पड़ोसन, और ये है निशा सेठ गोविंददास जी की इकलौती बेटी। हेलो। हेलो। चले प्रदीप। अरे तुम घड़ी मत देखो, मैं जा रही हूँ। जाने क्या कहने लौटी थी, भूल गई। कल कह देना। चलो जल्दी चलो, नहीं तो फिर लौट आएगी। तुम पागल हो गए हो दमड़ी लाल? ये आश्रम के खाने के मद में 5 किलो सिंघाड़े 5 किलो अमरूद के साथ एक पत्ता एस्प्रो कैसे चला आया? बोलो। ये एक पत्ता एस्प्रो का रोज मेरे लिए आता है क्योंकि मेरी तनख्वाह में आपके हथौड़ों का सिर दर्द भी शामिल है ना शर्मा जी। आइंदा हो सकता है 2 पत्ते आए। लिख लीजिए। लिख लेता हूँ। ये अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी दवाई छोड़ गए। मैं पूछता हूँ ऐसी कौन सी मर्ज है जिसकी दवा आयुर्वेद में नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोग एस्प्रो खाएंगे। हकीम अजमल खां कहा करते थे कि अंग्रेजों के आने से हिंदुस्तानी बीमारों की शराफत ही खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? शराफत। अरे अगर सर में दर्द रहता है तो योगासन से इलाज कराओ। कैसे इलाज कराओ? योगासन से। योगासनों के चमत्कार तुम क्या जानो? शीर्षासन, पद्मासन, सर्वांगासन, शवासन, मौनासन। मौनासन इसके गुण समझते हैं आप? सब समझता हूँ। अरे यही तो लज्जा शंकर झा ने कहा है, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। शोभा न देही बिजाय बाहू में हारहु चंद्र समान सजाए। शोभा न देही बिजाय बाहू में हारहु चंद्र समान सजाए। फूल के माल बनाए लसे तने धोया के चंदन स्वच्छ लगाए। पानहु खाए स्वस्थ धरे फल फूल सुगंधहु बार बढ़ाए। वाक विभूषण हीन शोभत सारे अलंग रत जात बसाए। शब्द भयो आघात धरको सुनि कंस को नंद महर के आत जानियो कैसी हनियो। लो, आ गई बकबक। हाय श्याम। अरे भागो, जान बचा के भागो। और जो मैं गिर गए होते? तुम मेरी जिंदगी में गिर कैसे सकती हो सुंदरी? इन पुरानी दीवारों को गवाह बनाकर मुझे वचन दो कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कभी नहीं करोगी। और जो कि? तो गिरने से पहले मैं तुम्हें यूं ही पकड़ लूंगा और तुम्हारा मुंह चूम लूंगा। क्या हम लोग किले में रहेंगे? हाँ, अपने प्यार के किले में, कि दुनिया का सागर आए, टकराए और लौट जाए। ओ, मिस्टर प्रेम का पुल मेरे लिए है। Thank you.
मेरी वजह से तुम्हें घायल होना पड़ा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। का तुम्हारे माथे पे कितना अच्छा लग रहा है, इसे पहुंचो मत, ऐसे ही रहने दो। जरा मेरे साथ आओ ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है चलो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, तुम्हें अपने हैरानी का जवाब मिल जाएगा। सब देखो, देखो। शाम को देखे बगैर मेरे मन में न सूरज निकले न चांद। जब से होश संभाला है उसी को पूछ रही हूँ। बचपन में जब हम ब्याह का खेल खेला करते और उस खेल में भी अगर शाम का ब्याह किसी और लड़की के साथ हो जाता तो मैं दो दिन तक रोती रहती। कॉलेज की दीवारों पर जो लिखा है प्रदीप, उसको तो मैं सच नहीं मानती। मगर तुम शाम के दोस्त हो, एक बात समझ लो, शाम के बगैर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। दीवारों पर जिसने लिखा था उसकी तो हमने खूब पिटाई की। मुझे बहन मानकर मेरे सर पे हाथ रख के कहो कि शाम और सुंदरी का कोई चक्कर नहीं। और चक्कर नहीं तो लोग बातें क्यों बनाते हैं? लोगों के कहने का क्या है निशा? देखो, तुम मुझे अपनी गाड़ी में कॉलेज से यहाँ ले आई, कल ये लोग कुछ तुम्हारे और मेरे बारे में बोलने लगे, तो क्या ये सब सच होगा? थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज मैं मर ही जाती। अब मेरा एक और काम कर दो, शाम तुम्हारी बात को झूठ नहीं मानेगा। उसको जाके कह दो कि निशा उसके लिए पागल हो रही है। मैं कहूँ? और कौन कहेगा? मैं तो रोज कहना चाहती हूँ मगर वो जब आता है तो इधर उधर के हजार बकबक करती हूँ मगर दिल की बात नहीं कह सकती। ठीक है, ठीक है, मैं कह दूंगा। अब तुम पागलपन की बात ना करो प्रदीप, सब कुछ जानते बूझते भी तुम पैगाम लेके आए हो। उसका सारा कमरा तुम्हारी तस्वीरों से भरा हुआ है यार। तो उसे कहो कि अपने मुंह पर मेरी एक तस्वीर चिपका दे। यार प्रदीप, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। वो फोटो फ्लैश स्टूडियो है ना, उसके पास भी मेरी हजारों तस्वीरें पड़ी हुई हैं। इसका मतलब नहीं कि मैं उसके स्टूडियो से शादी कर लूं। प्रदीप यार, तू मेरा दोस्त है या उसके बाप की इकलौती पासबुक का ब्रोकर? शिट यार। पपीते की भाजी तो तुमने कमाल की बनाई थी, ला तुम्हारा हाथ चूमा। अरे अरे, आयुर्वेद में लिखा है कि पपीता खाओ और रोग भगाओ। क्या लिखा है? रोग भगाओ। आज आपको बहुत दिनों बाद हंसते देखा है। सुनिए, मुझे 100 रुपए चाहिए। तमलीलाल से 100 रुपए ले लेना। कितने ले लेना? 100 रुपए। बिल्कुल 100 रुपए। अब क्या चाहिए? नहीं, बात यह है, दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती। कौन दीदी? सुंदरी की माँ? हाँ, आप जरा उसे देख लेते तो। बात यह लक्ष्मी, वो बेचारी अकेली रहती है, लड़की कॉलेज चली जाती है, तुम्हें जरा उसकी देखभाल करती रहा करो। सुंदरी ही तो उसकी असली बीमारी है, सुंदरी का ब्याह हो जाए तो दीदी 2 दिन में अच्छी हो जाएगी। ठीक कहा तुमने। आपको प्रदीप के लिए कैसी लगती है? लड़की तो अच्छी है, लेकिन हम हैं लड़के वाले। क्या है? लड़के वाले। और प्राचीन युगों से यह परंपरा चली आ रही है कि बात करने आते हैं लड़की वाले। कौन आते हैं? लड़की वाले। बात तो उन्होंने ही निकाली थी। और तुमने हाँ कह दिया तो मैं ना कहता हूँ? नहीं नहीं, आपसे पूछे बिना मैं हाँ कैसे कह सकती थी? मैंने कह दिया, आपसे पूछ के बताऊंगी, अब कह दूंगी आपने ना कह दिया है।
तो मैं हाँ कहता हूँ। अच्छा? लेकिन प्रदीप की शादी तभी होगी जब अंजलि की शादी हो जाए। अभी महीना भर पहले मेरे बड़े मामा जी रिश्ता लेकर आए तो थे, वो कानपुर वाला। हाँ, लेकिन आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। लड़का अच्छा लगे तो दोनों शादियाँ एक साथ हो सकती है। ठीक कहा तुमने, लक्ष्मी खर्चा भी कम होगा। सब गड़बड़ हो गया, मेरे समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे बताऊं। क्यों, क्या हुआ? माँ और पिताजी तुम्हारी सुंदरी की शादी के बारे में बात कर रहे थे, पिताजी मान भी गए हैं। अरे पगली, मेरी शादी कुसुम से होगी और सुंदरी की शाम से। वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं अंजू, और उनकी शादी कोई नहीं रोक सकता। तू घबरा मत, समय आने पर मैं माँ और पिताजी को समझा दूंगा। चल भाग। सूर काव्य में यमुना जी के जल की मिठास है, ब्रिज भूमि की सुगंध है, क्या है? तो सर सुनिए, कॉलेज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहे अपना नाम लिख।
भाभी दीदी खाना खा लिया? नहीं भाभी, बिटिया अभी तक नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराना नहीं हाँ प्रदीप। जी प्रदीप बेटे, सुंदरी तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं तो? नहीं आई। आप मत घबराइए, मैं अभी ले आता हूँ। अच्छा बेटे। शाम, सुंदरी कहाँ है? घर चलो सुंदरी। बड़ी देर कर दी, कहाँ रह गई थी? बारिश की वजह से अपनी सहेली के घर रुक गई। अच्छा चल, ये सब कीचड़ कहाँ से लग गया? पैर फिसल गया था। देख के चलना था बेटी। अंधेरा था, रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। तुम अंदर जाओ सुंदरी। चल बेटी। से बहुत बड़ी गलती हो गई प्रदीप, I'm sorry। वाह, किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। गलती हो गई, अगर तुम्हारी गलती उसके पेट में सांस लेने लगी तो? तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो प्रदीप जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। मैं सुंदरी से प्यार करता हूँ, अगर ये गलती ना हुई होती तब भी मैं उसे ब्याह करता। अब सुंदरी मेरा प्यार भी है, मेरा कर्तव्य भी। हाँ प्रदीप, मैं कल ही सुबह 8 बजे भैया को लेकर सुंदरी का हाथ मांगने आता हूं। कहाँ गया? भैया की तबीयत ठीक नहीं इसलिए वो गांव चले गए। ऐसा झूठ न बोलते तो क्या तू इतनी जल्दी आता? और फिर मेरी बीमारी की बात है भी कहाँ झूठी, मेरी आत्मा बीमार हो गई है इसकी हरकतों से। वहाँ कॉलेज की दीवारों पर खानदान की तारीफें लिखी जा रही है ना। देखो बेटा, तेरी माता जी की आखिरी इच्छा यही थी कि तेरी शादी निशा से हो। ऐसी बातों से कोई फायदा नहीं भाभी। क्यों फायदा नहीं? अगर माँ की इच्छा ये थी कि मैं जवान होकर आत्महत्या कर लूँ तो आत्महत्या के और भी तरीके हैं। मैं पूछता हूँ क्या कमी है निशा में? पढ़ी लिखी है, सुंदर है,
तेरसा शादी करने के बचपन से सपने देख रही है, और फिर उसके पिता के आभारी हैं हम जो हमारे आने वक्त पे काम आए। ये घर जहां आज हम खड़े हैं नीलाम हो गया होता पिताजी के मरने के बाद। बेटे आज के जमाने में कोई 50 पैसे बिना लिखा पढ़ी का नहीं देता, इन्होंने 50,000 रुपए दे दिए। तेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च किसी ना किसी बहाने वही उठा रहे हैं, और आज जो तू बीच बग्गी में दंदनाता घूम रहा है ना, ये सब इन्हीं की कृपा है। हम उनका कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन तू तो सूद अदा करने से भी इनकार कर रहा है। पैसों का कर्ज पैसों से ही चुकाया जाता है भैया, और अगर पैसे ना हो तो खुले बाजार में मुझे बेचकर कर्ज चुका दीजिए, कर्ज में शादी नहीं की जाती। ऐसी बातें मैं भी बहुत से उपन्यासों में पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये बातें तुम्हारे कॉलेज की फीस या तुम्हारे घर में चूल्हे की लकड़ी या चुटकी पर आटा कुछ भी नहीं बन सकती। तुम्हारी शादी निशा के साथ होगी, ये मेरा फैसला है। तो मेरी तरफ से फेरे भी आप ही ले लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुंदरी से करूंगा, और ये मेरा फैसला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गोविंदास जी के हाथ मुझे बेचकर दाम वसूल कर चुके हैं। तमीज। हाँ, मैं तुझे अपने आप को दोनों को बेच के दाम वसूल कर चुका हूं। अरे तू ये क्यों नहीं सोचता कि अपने स्वर्गीय पिता की लाज रखने के लिए क्या कर रहा है। हम उनका कष्ट नहीं उतार सकते, लेकिन तू तो सूद अदा करने से भी इनकार कर रहा है। और जो मैं गिर गई होती? तुम मेरी जिंदगी में गिर कैसे सकती हो सुंदरी? इन पुरानी दीवारों को गवाह बनाकर मुझे वचन दो कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कभी नहीं करोगी। तुम्हारी शादी निशा के साथ होगी, ये मेरा फैसला है। मेरे खून का टीका तुम्हारे माथे पे कितना अच्छा लग रहा है, इसे पहुंचो मत, ऐसे ही रहने दो। शाम ने तुम्हें खत लिखा है? सच? मान लो कि लिखा है। सच बोलो ना। तुम्हारी बेकरारी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लो। मैं तो यहाँ आते ही तुम्हें खत लिखना चाहता था। फिर लिखा क्यों नहीं श्रीमान? इस देर के लिए क्षमा चाहता हूँ। बढ़िया, क्षमा चाहने वाले तुम तो सिर्फ मुझे चाहो। ये स्वतंत्र क्षमा कहाँ से आ गई तुम्हारे और मेरे बीच में? अच्छा, क्षमा चाहते हो। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये बात कैसे कहूँ। पहले मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो और फिर धीरे से मेरे कान में रस खोलो कि भैया मान गए हैं। भगवान को चाहिए कि आदमी के होश संभालते ही उसे उसकी तकदीर पढ़कर सुना दिया करे। अगर ऐसा होता तो दिल कभी ना टूटते। पता नहीं मेरे दिल की टूटने की आवाज तुम तक पहुंची है या नहीं। हालात ने ऐसी करवट ली है सुंदरी कि मुझे सेठ गोविंददास की बेटी से शादी करनी पड़ी।
शादी से हमारी इज्जत तो बच जाएगी, लेकिन मुझे डर लगता है हमने कहीं शाम की जिंदगी में जहर तो नहीं खोल दिया। अरे पगली तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि निशा का प्यार उसे निहाल कर देगा, उसके सपनों को भर देगा। तुम सारी बातें भूल जाओ और शादी की तैयारियां शुरू करो। अगर आप कुसुम की शादी की बात भी प्रदीप बेटे से कर लेते तो? मुझे पूरा यकीन है कि प्रदीप कुसुम से शादी करेगा, लेकिन हाँ सबसे पहले इससे पूछ लो कि ये उसके साथ शादी करेगी या नहीं। पिताजी। सुंदरी दिल छोटा मत करो, भैया गए हैं ना, वो जरूर कोई अच्छी खबर लाएंगे। जो पूछने आए हो पूछते क्यों नहीं? पूछना क्या है, सब देख लिया मैंने, तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही हैं, है ना? तो ये क्यों नहीं पूछते प्रदीप कि मेरी शादी किससे हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है? मैं तुमसे ये पूछने नहीं आया हूँ कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है, क्यों हो रही है और कहाँ हो रही है। मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम्हारी शादी सुंदरी से ही होगी। मैंने भी यही निश्चय किया था, भैया को साफ साफ कह दिया था कि मैं निशा से नहीं सुंदरी से ही शादी करूंगा, और फिर मैं चल भी पड़ा। जा रहे हो शाम? हाँ जरूर जाओ, तुम भला अपने बड़े भैया के लिए अपनी खुशी के बलि क्यों दोगे, जाओ। मैं सुंदरी से प्यार करता हूँ भाभी। हाँ पता है, हमारे साथ उससे आधी मोहब्बत भी कर रहे होते तो हमारी लाचारी तुम्हें मालूम हो जाती। भाभी निशा से ब्याह करने के सिवा और कुछ भी कहकर देखिए। देखने को रह क्या गया है, देख तो लिया है कि दो दिन के प्यार के लिए वो भाई छोड़ा जा रहा है जिसने पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे लिए तू बेटे की तरह है, पर तेरे भैया मेरे हाथ की चूड़ी, मेरे माथे की बिंदिया है। अगर ये शादी ना हुई तो उन्होंने मर जाने की धमकी दी है, और तेरे भैया की जिद तो तू जानता ही है। तू कैसा बेटा है रे, अपने स्वार्थी प्रेम के हाथों मेरी चुड़िया तोड़ना चाहता है, मेरे माथे की बिंदिया मिटाना चाहता है। भाभी जा बेटा जा, भगवान तुझे सुखी रखे। और इस तरह मैंने अपने भाई को मरने से बचाया। अब तुम ही बताओ प्रदीप मैं क्या करता, बोलो प्रदीप बोलो मैं क्या करता। तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूं प्रदीप, बोलो बोलो मैं क्या करूं प्रदीप। इन हालात में और किया भी क्या जा सकता है, कर्तव्य की जिन जंजीरों में तुम जकड़े हुए हो उन्हें तोड़ना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। अच्छा शाम मैं चलता हूँ। अरे बाबू दमड़ी लाल, शाम की शादी का कार्ड तो देखो कमाल का है। जितने में एक कार्ड पड़ा होगा उतने में तो किसी गरीब की बेटी की शादी का सारा खर्चा निकल जाए, और भाषा से भी प्राचीन भारत की सुगंध आ रही है। जी मैं पढ़ता हूँ, जो शब्द का अर्थ मालूम ना मुझसे पूछ लेना। जी। श्री रामलाल, श्री रामलाल के अनुज, अनुज का मतलब जानते हो? छोटा भाई। हाँ। श्री श्याम कुमार का विवाह श्री गोविंद दास की सुपुत्री सौभाग्यवती निशा के साथ दिनांक 6 जून 1982 को संपन्न होगा। जी। आपसे अनुरोध है, अनुरोध का मतलब जानते हो? अर्थ ना। हाँ। कि आप सब परिवार पधारने की कृपा करें। विनीत रामलाल जरूर चलेंगे शादी में। डॉक्टर साहब, अंजू, थैंक गॉड वक्त पर मेडिकल एड मिल जाने से इसकी जान तो बच गई, लेकिन बच्चा हो जाने तक बड़े एहतियात की जरूरत है। बच्चा? जी हाँ। पाप और प्रेम में बहुत थोड़ा फर्क होता है डॉक्टर साहब, अगर लोगों को यह बात मालूम हो गई तो इस बिन ब्याही लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं समझता हूँ,
सुंदरी, सुंदरी, तुमने ऐसा क्यों किया? जी के कर्म भी क्या? मेरी समझ में नहीं आता सुंदरी ने ऐसी नादानी की क्यों? अरे माँ, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था और उस पगली ने सच मान लिया। याद है परसों मैं शाम के घर जा रहा था तो मैंने उसे कह दिया कि मैं कुसुम से अपनी शादी की बात करने जा रहा हूँ। उसने अंजलि से पूछा और उसने भी यही कह दिया। बस बेटा, ऐसा प्यार करने वाली से ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे नहीं माँ, उस पागल लड़की से मैं कभी मजाक नहीं करूंगा, ना ऐसा ना वैसा। अब तो उसे सिर्फ शादी करूंगा। अच्छा? लेकिन माँ, मैं शादी में शाम से पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए मेरी शादी उसी दिन और उसी वक्त होनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आती इतनी जल्दी की क्या बात है। कानपुर वाला लड़का हमने अंजलि के लिए पसंद कर ही लिया है और फिर 5 महीने की तो बात है। लेकिन वो तो कहता है वो उसी दिन शादी करेगा जिस दिन शाम की शादी है। कुछ तो कहिए आप। मैं क्या कहूँ, मैं प्रदीप के ब्याह के प्रस्ताव पर तब तक विचार ही नहीं करूंगा जब तक अंजलि के फेरे ना पड़ जाए। लेकिन कुछ सोचिए तो सही। बस ये क्या, खाना तो खा लेते। बस खा लिया। घूर क्या रहे हो? घूर नहीं रहा हूं, देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? खून का दबाव। खून का दबाव तो बढ़ेगा ही, घर में जवान बहन कुंवारी बैठी और भाई साहब ब्याह रचाने चले। अरे ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष यहाँ की कुछ परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, कायदे कानून है। कान को बंद कर रहे हो। भारतवर्ष पर आपके सारे भाषण मुझे जबानी याद है। आज कृपया मेरी एक बात सुनिए। क्या सुनिए? तुमको और इस देश को सुधारना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अंजलि से पहले प्रदीप का ब्याह करना आपके बस की बात है, कहिए हाँ। नहीं, हाँ नहीं कहूंगा। पहले अंजलि का लगन होगा उस कानपुर वाले लड़के के साथ। अरे कितना बड़ा घराना है, कानपुर जो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणगढ़ी नहीं करता, रसोईया नहीं है, एक बहुत बड़ी फर्म का डिप्टी मैनेजर है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, कानपुर से जानता हूँ। उसमें कोई बुरी आदत भी नहीं है, बस कॉफी पीता है। कॉफी तो मैं भी पीता हूँ। नहीं नहीं, कॉफी के बाद पान भी खा लेता है। अरे दमली लाल, जब शंकर भगवान बारात लेकर पहुंचे थे तो राजा दक्ष ने बरातियों को पान खिलाया। पान तो हमारी प्राचीन संस्कृति है। पान हो खाए सुबह। नहीं, मगर पान खाने के बाद एक रात सिगरेट भी फूंक लेता है। सिगरेट? हाँ। सिगरेट पीना इतनी बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर बरसात में ठंड मारने के लिए जरूरत पड़े तो एक आध पैक ब्रांडी भी पी लेता है। और अगर बरसात नहीं हो रही हो तो विस्की। विस्की? विस्की, विस्की डायरेक्ट नीट। मगर हाँ, वो गांजा और चरस के चक्कर में बिल्कुल नहीं है। चलो कुछ तो ठीक है। मगर शर्मा जी, विस्की और ब्रांडी के बाद आदमी वेश्याओं के कोठे तो झांकता ही है ना। छे। नहीं, वेश्याओं के कोठे। छे छे। एक आध गजल भी सुन लेता है, ठुमरी दादरा, और कहीं रात ज्यादा हो जाए तो वहीं रह भी लेता है। छे 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 छे। अरे लड़का देखने में तो बड़ा भला मानस मालूम होता है। अरे भले मानस तो आप भी लगते हैं। कि सुंदरी को छोड़कर शाम निशा के साथ शादी क्यों कर रहा है, लेकिन वो ऐसी जंजीरों में जकड़ा हुआ है जिन्हें तोड़ना उसके लिए नामुमकिन है। अगर मुझे उसकी मजबूरी मालूम ना होती तो मैं अपनी दोस्ती का एक एक पल उसे वापस मांग लेता, और सुंदरी भी किसी और से शादी नहीं करेगी। आज तो हमने उसे आत्महत्या करने से रोक लिया, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वह मां बनने वाली है तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी इज्जतदार लड़की ये नहीं चाहेगी कि वो शादी से पहले माँ बने, इसलिए इस आंगन की तुलसी की रक्षा करने का मैंने फैसला किया है। सुंदरी से मैं शादी करूंगा। भैया। ठीक है या गलत, ये सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। अच्छा है या बुरा, इसका फैसला करने की मेरी उम्र नहीं। लेकिन सुंदरी को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। तुम उसकी सहेली हो, तुम्हें उसे शादी के लिए राजी करना होगा, लेकिन शादी होने तक उसे यह मालूम ना हो कि वो मां बनने वाली है। बुझते हुए दीपक को चलाए रखने की कोशिश में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अंजलि। कभी नहीं, मैं उन्हें भाई मानती हूँ अंजु। लेकिन भाई मानने से वो भाई तो नहीं हो गया ना। फिर ये रक्षा बंधन का देश है, राखी का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। जब तो वो रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, तो
सतीना इंद्रो व्रत सवा सतीना भूखा विश्वावेदा सतीनता रक्षो आदिशाने बृहस्पति दे कई दिनों से चक्कर आ रहे हैं और मतली से भी लगती है। पर तो आएंगे ही बेटी, और मतली भी होगी। लगता है प्रदीप ने तुम्हें भी नहीं बताया। क्या नहीं बताया? जब तुम यहाँ पहली बार लाई गई थी तो गर्भवती थी। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर, पानी, डॉक्टर। नर्स, पानी लाओ। पढ़ो बोलने मत लगना, जबान को जरा ताला लगा के रखना। हुँ? जी। और देख, शाम के हाथ मत रोकना। अरे बुआ, कितना समझाओगी, या फिर बैठी जाओ ना पलंग के नीचे। देखो, मेरा देवर बड़ा शर्मिला है, सारी मेहनत तुम्हें को करनी पड़ेगी। अरे बुआ, तुम कहाँ जा रही हो? चलो। दरवाजा बंद कर देना, मुझे ठीक तरह से शर्माने की प्रैक्टिस नहीं। अजी, सुन रहे हो क्या? बुआ ने कहा है कि अब मुझे तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अजी कहा करूं। अब तक शाम पुकारती थी, अब अजी कैसे कहूं? मगर धीरे धीरे आदत डालूंगी। मेरी जो मैरिड सहेलियां हैं ना, वो कहती हैं कि सुहागरात बड़ी मजे की चीज होती है। अभी अभी भाभी यहाँ आई थी, जानते हो वो क्या बोली? बोली, मेरा देवर शर्मीला है, सारी मेहनत तुम्ही को करनी पड़ेगी।
अरे तुम तो पसीना पसीना हो रहे हो, मैं पंखा चला देती हूँ। कोई जरूरत नहीं निशा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाता हूँ। नहीं रहने दो, मैं ही दूसरे कमरे में जाती हूँ। कर रही है बुआ, शाम को बुखार है, वो अलग कमरे में सोना चाहता था तो मैं ही आज चली आई। बुआ तुम तो कहती थी कि आज शाम मुझे अपना लेगा, मुझे प्यार करेगा, लेकिन उसने तो बात तक नहीं की। बुआ ऐसा तो नहीं ना कि वो मुझसे प्यार ही ना करता हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते पगली, प्यार नहीं करता तो तुझसे शादी क्यों करता? शर्मा गया होगा, मैं जानती हूँ वो तुझे बहुत चाहता है, जरूर तुझे अपनाएगा। घबरा मत, सो जा। माथे की कलंक को अपने नाम के सिंदूर से छिपा दिया है, तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? एहसान जताने के लिए मैंने यह निर्णय नहीं लिया सुंदरी, तुम्हारे दर्द को बांटने के लिए मैंने एक दोस्त का फर्ज निभाया है। तुम मेरे पास शाम की अमानत हो, हमारा रिश्ता वही है जो फेरों से पहले था। नहीं प्रदीप, अब यह रिश्ता प्रदीप ने मुझे दादा बना दिया, इतने कम समय में इतना बड़ा काम। अरे दमड़ी लाल, समझ गया। ले बेटा मिठाई खा। किस बात की माँ? अरे तू बाप बनने वाला है।
मत मारो हथौड़ा तुम क्या मारते हो? मत मारो अपना हथौड़ा। दमड़ी चाचा, आप नींद में क्या बड़बड़ा रहे हैं? हथौड़ा मत मारो, हथौड़ा। अरे बैठो, बताता हूँ। तुम्हारे पिताजी के हथौड़ों की चोटों ने मेरी ये हालत बना रखी है। गनीमत है कि मैं जिंदा हूँ और इस पेड़ के नीचे हूँ। चाचा, मुझे ये बताइए, आप जो ये बार बार हथौड़ा कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज? समझाता हूँ। तुमने रामायण तो पढ़ी है ना? हाँ। वनवास में गए श्री रामचंद्र जी को वापस लौटाने के लिए भरत जी गए। वहां अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप वापस चलिए और सिंहासन स्वीकार कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी बोले, अनुज भरत, अपने पिता को दिए गए वचन को निभाना पुत्र का धर्म है। अपने कर्तव्य के पालन में सदा सजग रहना पुरुष का कर्म है। सत्य पालन, कर्तव्य निष्ठा, आदर्श जीवन, प्रजा सेवा, ये राजकुमार का ध्येय है। इसलिए मैं पिता को दिए गए वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर उस वाक प्रवाह में भरत जी बह गए। परंतु थोड़ी देर के बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा, भैया, आप सिर्फ इतना ही कह सकते थे कि मैं नहीं आऊंगा, ये हथौड़ा क्यों? भरत जी के मुंह से निकला हुआ वो हथौड़ा आज तक भारतवर्ष में प्रचलित है। अच्छा। हाँ, और ये हथौड़े भी तरह तरह के होते हैं। कई लोग घड़ी की आवाज की तरह टन टन हथौड़ा मारते हैं। तुम्हारे पिताजी के हथौड़े को लोहे का हथौड़ा कहा जाता है, मारा तो चारों खाने चित। इसे कहते हैं आयरन हैमरिंग। अच्छा, कुछ दूसरे लोगों को यदि हथौड़ा लगने का एहसास न हो तो ऐसे नाजुक हथौड़े को रबड़ हथौड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रबर हैमरिंग। कोई कोई पूरे जन समुदाय पर हथौड़ा मारते हैं, इसे कहते हैं सामूहिक हथौड़ा, मास हैमरिंग। देश के नेता लोग भाषण वगैरह करते हैं ना, वो सब इस हथौड़े के अंतर्गत आता है। अब थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मैंने तुम्हारे पिताजी के खिलाफ बगावत कर दी और उन पर हथौड़ा चलाया। हालांकि ये असंभव बात है, मगर थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मैंने उन पर हथौड़ा चलाया। इसे कहते हैं उल्टा हथौड़ा, रिवर्स हैमरिंग। और अगर मैं बोलते चला जाऊं तो इसको कहते हैं लंबा हथौड़ा, प्रोलॉन्ग हैमरिंग। मैं थक गया। जाओ हथौड़ा आओ हथौड़ा, मत मारो। बच्चे का नाम तो कन्या लगन से निकलता है। तब तो पंडित जी, मैंने बच्चे का नाम सोच लिया है, जन्म कुंडली के मुताबिक। छोड़िए जन्म कुंडली को, कोई भी अच्छा सा नाम रख दीजिए, उसमें है क्या? अरे बाबू दमड़ी लाल, अकल के नाखून लो, क्या लो? अकल के नाखून। और समझने की कोशिश करो, बच्ची का जन्म हुआ था कन्या लग्न में, इसलिए इसका नाम हथौड़ी रखते हैं, कुमारी हथौड़ी शर्मा। और अगर बेटा होता तो हथौड़ा शर्मा रखते। क्या रखते? हथौड़ा शर्मा। मैं प्रदीप की बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखूंगा, उनका भी जन्म हुआ था कन्या लग्न में। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय पार्वती देवी। लेकिन बच्ची के नाम के आगे स्वर्गीय कैसे लगा सकते हैं? अरे पिताजी, मैं इसका नाम महेश्वरी रखना चाहता हूँ। महेश्वरी क्यों? मुझे यही नाम पसंद है। ठीक है, महेश्वरी और पार्वती एक ही बात है, लेकिन फिर भी जन्म कुंडली के हिसाब से। बंद कीजिए अपना ये हथौड़ा। पंडित जी, आप शुरू हो जाइए। भाई, तुम सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? मैंने कोई अनहोनी बात तो कही नहीं। देखो भाई, एक तो मैं दिल का मरीज हूँ, दूसरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। जब तक शाम मेरा सारा कारोबार नहीं संभाल लेता, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? वो तो ठीक है गोविंद, पर ये अपने आप को तो संभाल नहीं सकता, इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालेगा? वैसे भैया ठीक कहते हैं अंकल, मुझे तो कारोबार की एबीसी तक नहीं मालूम। तुम्हारे नीचे जो लोग हैं वो तो काम जानते हैं, आहिस्ता आहिस्ता तुम भी सीख जाओगे। जैसे आपकी इच्छा। गुड। लो बेटे, आज से अपनी कुर्सी संभालो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अंकल। काम बैठना। अरे बैठना, मैं भी आता हूँ। शाम, अब कुसुम की शादी हो जाए तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, तुम किस दिन जाकर प्रदीप से बात क्यों नहीं कर लेते? मैं प्रदीप को चिट्ठी लिखकर यहीं बुला लेता हूँ भैया। किसका खत है? शाम का, उसने मुझे बुलाया है। जिन्हें भूल चुके हैं उन्हें याद करने की क्या जरूरत है? ऐसा मत कहो सुंदरी, वो मेरा दोस्त है और माहेश्वरी के पिता, मेरा जाना बहुत जरूरी है। साहब को कहना कि खाना मैं अपने हाथों से खुद बना के भेज रही हूँ, जरूर खाएं। जी हाँ। तुम मिस सुंदरी श्रीवास्तव को जानते हो?
Yes or no? Yes, sir. प्रेम करते हो? Yes, sir. तो फिर ये कैसा प्रेम है कि तुम मिस सुंदरी श्रीवास्तव को 20,000 रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गए? Speak. ये लो 21,000 रुपए और आज से तुम मेरे हुए और तुम्हारी शादी वो सामने रोती हुई मिस सुंदरी श्रीवास्तव से ही होगी। और नरेश, अगर तुमने इस शादी में कोई भी गड़बड़ी की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। Now get out. Thank you, sir. हेलो प्रदीप। हाय श्याम, कैसा है? ठीक हूँ यार। कब आया तू? बस अभी। देखा प्रदीप, मैं इंसाफ करने लगा। किसी के साथ बेइंसाफी करने का तो यही फायदा होता है कि इंसाफ क्या चीज है आदमी को समझ आ जाती है, पहचान लेता है वो। लेकिन तू सोच रहा होगा कि एक कायर को इंसाफ करने का क्या हक है, लेकिन यही तो जिंदगी है यार, यही तो जिंदगी है। तुम सिगरेट पीने लगे हो? सिर्फ सिगरेट ही नहीं प्रदीप, शराब भी पीने लगा यार। तुम्हें गरज से बुलाया था। मेरी जान चाहिए? नहीं, कुसुम के लिए तुम्हारा हाथ चाहिए। मुझे पता है कि कुसुम और तुम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो। मैंने किसी और का हाथ थाम लिया है श्याम। मगर प्रदीप, प्रेम तो तुम श्याम मजबूर सिर्फ तुम ही नहीं हो सकते। तो तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया क्यों नहीं? कैसे बुलाता, शादी मैंने सुंदरी से की है। सुंदरी से? हाँ श्याम, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। अच्छा तुम जाओ। अच्छा मालकिन। क्या हुआ? मुझे शाम की तरफ से बड़ी परेशानी हो रही है। अब क्या हुआ? अगर आदमी ऑफिस में भी शराब पीने लगे तो उसके दोस्तों और चाहने वालों को परेशान होना ही चाहिए। तू तो जिंदगी भी नहीं, तो फिर इतनी कड़वी क्यों है? I'm sorry, निशा, तुम्हें जागना पड़ा। कहाँ थे अब तक? मैं जानती हूँ कि पूछने का मुझे कोई अधिकार नहीं। तो फिर पूछा क्यों तुमने? दुनिया वालों की नजरों में हम पति पत्नी हैं। उन दुनिया वालों में से एक मेरे पिताजी भी हैं, जिनकी खुशी के लिए मैं पति पत्नी का नाटक खेल रही हूँ, वरना कब की आत्महत्या कर चुकी होती। मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम कहाँ हो, कि कोई पूछे तो बता सकूं। पिताजी ने शाम की चाय पे भी पूछा, रात के खाने पे भी पूछा और सोने जाने से पहले भी पूछा। सॉरी, ऑफिस में थोड़ा काम निकल आया था। झूठ मत बोलो शाम। आज सुबह तुम्हें सुंदरी श्रीवास्तव नाम की एक लड़की मिलने आई थी। तुमने उसे 21,000 रुपए देकर उसकी शादी की समस्या हल कर दी। इस बात पर खुश होकर कर्मचारी कल तुम्हें फूल माला पहनाने वाले हैं। फिर थोड़ी देर तुमने अपने पुराने दोस्त प्रदीप से बातें की, उसके बाद तुमने शराब पीनी शुरू कर दी। चिल्लाओ मत निशा, आहिस्ता बोलो। आहिस्ता क्यों बोलूं? मैं पूछती हूँ, शाम के 3:30 बजे से रात के 12 बजे तक तुम कहाँ थे? Damn you, निशा, मैं तुम्हारे बाप की कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं हूँ कि तुम्हारे इशारों पे चलूं या बंद हो जाऊं, समझे तुम? मैं भी तुम्हारे भैया की सो कॉल लाइब्रेरी में पढ़ी हुई कोई सेकंड हैंड किताब नहीं हूँ कि चुपचाप गर्द खाती रहूं। कहाँ थे तुम? नया नया पैसा देखा तो अय्याशी शुरू हो गई। निशा, निशा क्या? वो 21,000 जो खर्च करके तुम देवता बने हो मेरे पिता के हैं। ये 7,500 का सूट, ये 50,000 की अंगूठी। निशा, रुक क्यों गए? मारू ना। I'm sorry, निशा। मुझे मेरा दोष बताओ शाम, मुझे मेरा दोष बताओ। श्री गोविंद दास की इकलौती बेटी होने पर मेरा तो कोई बस नहीं है। निशा, प्यार में गलती नहीं होती, निर्दोष तुम भी हो और निर्दोष मैं भी। मैं जानती हूँ शाम, शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर इससे तुम्हें सुख मिलता है
तो तुम्हारी खुशी नहीं मेरी खुशी है। कमाल करती हो, भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए काशी में बैठे हुए हैं। अरे भगवान का कोई निश्चित रूप है ही नहीं, भगवान कहाँ नहीं है, इसमें है, तुम में है, तुम्हें नहीं है, भगवान हमारे अनाथ बच्चों में है, उनकी सेवा करो। प्रभु फिर कर दिया आपने अपना हथौड़ा चलाना शुरू। दमड़ी लाल, जब से तुमने अपना हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है मैंने अपना हथौड़ा फेंक दिया। अच्छा किया, मगर गुरुदेव यहाँ भगवान होने या न होने की बात नहीं चल रही है, काशी यात्रा की बात चल रही है। क्या चल रही है? मैं नहीं कहूँगा। पहला बच्चा है ना, दीदी ने मनौती मानी थी कि पहले बच्चे के बाद विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। हाँ। 6 महीने हो गए, ज्यादा देर करना अच्छा नहीं है, 2 ही दिन की तो बात है, 2 दिन में दोनों लौट आएंगे। भेजो भेजो, भगवान उनके लिए काशी में इंतजार कर रहे हैं। कितना बड़ा घर, बच्चे के बिना सूना सूना लगता है, बच्चा हो जाए तो बहुत सी दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। माँ का बचपना चला जाता है, बाप में जिम्मेदारी का एहसास हो आता है, इसलिए भगवान के दर्शन कर ही आओ तो अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं काशी चला जाऊं तो चला जाता हूं, लेकिन इसके सिवा कोई और वादा नहीं कर सकता। वो आधा डजन देना। महेश्वरी, महेश्वर, तुम लोग और यहाँ कहाँ जा रहे हो? काशी। अजीब इत्तेफाक है, हम भी तो वहीं जा रहे हैं, हमारे साथ चलो ना, गाड़ी भी निकलने वाली है, चलो ना। तुम दोनों ने शादी कर ली और हमें कार्ड तक नहीं भेजा। अरे हाँ, हमारा कार्ड तो मिल गया होगा ना? हाँ, वो कार्ड मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारी शादी की जरा भी खबर होती तो हम जरूर आते, हमें क्या गैर समझ रखा है? समझा तो अपना ही, पर देखो सुंदरी, हमारे बीच परवर आ ही नहीं सकता। आईली मेरी गुड़िया, क्या नाम है मेरी गुड़िया का? महेश्वरी। अरे मेरी सास जी का नाम भी महेश्वरी था, तब तो आप हमारे लिए सास हो गई। देखा सास जी, आपका बेटा कितना गुमसुम बैठा है, लीजिए संभालिए अपनी माँ को। सही जगह पर पहुंच गई है। क्या? मेरा मतलब है ट्रेन, लेट जा रही थी ना, अब सही वक्त पर पहुंच गई। अरे अरे अरे, मेरी सास जी ने तो रोना शुरू कर दिया। रोने दीजिए, लड़की है ना, अभी से रोना सीख लेगी तो अच्छा है। लाइए मुझे दीजिए।
अरे, तुम लोग वापस कैसे आ गए? काशी नहीं गए? मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम रास्ते से वापस आ गए। जरा रुको शाम, सुंदरी की परछाई को बाहर छोड़ के आओ, थप्पड़ मार लो। लेकिन क्या तुम ये कह सकते हो कि सुंदरी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं? देखो निशा, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। फायदा है शाम, फायदा है। मैं आज तक एक कुंवारी पत्नी हूँ, मगर मैंने कोई शिकायत की? मैंने आज तक तुमसे पत्नी का कोई भी अधिकार मांगा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और इसी में खुश रहने की कोशिश कर रही थी कि दुनिया मुझे मिसेस श्याम कुमार कहती है। मगर मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करता निशा, मैं क्या सोचकर खुश रहने की कोशिश करूं? तुमने तो एक नेम प्लेट के लिए अपनी जिंदगी को दीवार बना लिया है, मगर मैं क्या करूं? मैंने तुमसे शादी नहीं की है निशा, तुम्हारे पिता और अपने भाई की दोस्ती पर अपनी जिंदगी की बलि चढ़ाई है। और जब भी कोई बलि चढ़ाता है ना निशा, तो उस बलिदान की परछाइयां आसपास वालों पर जरूर पड़ती हैं। तुम्हारे पिता और मेरे भाई दोनों दिल के मरीज हैं, तो ये मत पूछो कि मैंने सुंदरी से प्यार किया था या नहीं। सुंदरी से तुम तब भी प्रेम करते थे, आज भी तुम उससे प्यार करते हो, और मैं वो पागल कि दीवारों पर लिखे हुए तुम दोनों के नाम मिटाती रही। श्याम, तुम्हें मुझसे प्रेम न करने का पूरा अधिकार है, मगर तुम मेरे घर में किसी और लड़की को याद करके मेरा अपमान नहीं कर सकते। और तुम्हें अपने दोस्त की पत्नी के बारे में सोचते हुए शर्म नहीं आती? छी! और मैं उस बेहया को क्या कहूँ जो अपने पति के बगल में बैठी बैठी अपने प्रेमी से आंखें लड़ा रही थी। Don't cross the limits. What limits? वो तो किसी और की पत्नी होते हुए भी तुमसे गलत संबंध रखती है, वो वेश्या है। ये भूल जाना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई शाम आया था। आज मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ के जा रहा हूं। क्या सेवाश्रम यही है? जी हाँ, आपको किससे मिलना है? प्रदीप से। आपका परिचय? श्रीमती निशा श्याम कुमार। भाभी, तो आप यूं गैरों की तरह क्यों बात कर रही हैं? प्रदीप तो मेरे भैया है और श्याम भैया को मैं राखी बांधती हूँ। कैसे है भैया? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं ही तुम्हारे दो भाइयों के बीच में पिस गई हूँ, दोनों ही मुझसे झूठ बोले, और अब सच एक बड़े राक्षस की तरह मेरे सामने खड़ा दांत निपोड़े मुझ पर हंस रहा है। मैं उन्हीं झूठों का निपटारा करने आज यहाँ आई हूँ। शाम को तो खैर मैं क्या कहूँ, मगर प्रदीप को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। ऐसा क्या कर दिया है भैया ने? जो दिल किसी और का था उस पर मुझे अपने नाम की तख्ती लगाने दी तुम्हारे भाई ने। भाभी, आप क्या कह रही हैं आपको पता है? मेरे भैया तो देवता हैं। तभी उस देवता ने श्याम की रखेल को अपनी पत्नी बना रखा है। भाभी, लग गई मिर्ची। मैंने अपनी आंखों से देखा है श्याम और सुंदरी को आंखें लड़ाते हुए, और तुम्हारा देवता भी वहीं मौजूद था, सब कुछ देख रहा था और बच्ची को सिलाने की कोशिश कर रहा था। मेरा भैया तो देवता है, खुद तो चैन से जी रहा है, बाल बच्चों वाला हो गया, और मैं अपनी फूटी हुई तकदीर के टुकड़े इकट्ठा करने में लहूलुहान हुई जा रही हूँ। मेरे भैया से ज्यादा दुखी तो इस दुनिया में शायद ही कोई हो। आपके जीने का तो फिर भी कोई अर्थ है, लेकिन मेरे भैया के जीने का तो कोई अर्थ ही नहीं। आपको अपना शाम तो मिल गया, लेकिन मेरे भैया को कुसुम नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन्हें श्याम भैया की बेटी को अपना नाम देना ज्यादा जरूरी समझा। श्याम की बेटी? जी हाँ, वो बच्ची सुंदरी भाभी के प्रेम और श्याम भैया के पाप की निशानी है। इसमें उस बच्ची का क्या कसूर था, वो क्यों सजा भुगतती? इसलिए मेरा भैया श्री राम की तरह आगे बढ़ा और उसने इस युग के अहल्या सुंदरी को चीनी के रास्ते पर लगा दिया। आप मेरे उसी भैया से निपटारा करने आई हैं, और मान सकती हैं तो ये भी मान लीजिए कि सुंदरी इस घर में बहू की तरह नहीं बहन की तरह रह रही है। जिंदगी का हिसाब तो आपको साफ करना है भाभी। आपके कारण श्याम भैया का जीवन तबाह हो गया, वो सुंदरी को ना पा सके, भैया कुसुम को ना पा सके,
एक मासूम बच्ची अपने पिता को ना पा सकी, और आपका दुर्भाग्य तो ये है कि इतनों को इतनों से अलग करने के बाद भी आप श्याम भैया को ना पा। पिताजी आप कब आए? तुमने जो कहा वो सच है बेटी? हाँ पिताजी। आज से मैंने इस बच्चे का नाम बदल दिया प्रदीप। इसका नाम महेश्वरी नहीं पार्वती है, क्योंकि यही मेरी माँ का नाम था। अंजलि की तरफ मत देखो प्रदीप, मेरी तरफ देखो। तुम तो जानते हो कि अनाथ गूंगे बहरे बच्चों के सिवा में किसी को भगवान नहीं मानता, क्योंकि निरपराधी होते हुए भी वो लोग दंड भोग रहे हैं। ईसा मसीह की तरह दुनिया का क्रॉस कंधों पर उठाए जीवन के रास्तों पर चले जा रहे हैं। मैं उनकी कसम खाकर कहता हूं बेटा, तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। तुमने सचमुच मेरा सर ऊंचा कर दिया बेटा। आज पहली बार तुमने मेरी आंखों में खुशियां भर दी हैं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं बेटा। पिताजी मुझे प्रदीप और सुंदरी से क्षमा दिला दीजिए। बेटी मनुष्य को क्षमा अपने आप से मांगनी चाहिए। अपने आप से क्षमा मांगोगी तो उजाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उजाला। हाँ, मैं अपने आप से क्षमा मांगूंगी। मैंने सबके जीवन में अंधेरा खोल दिया है। अपने इस पाप का प्रायश्चित मैं ही करूंगी। जो कोई बीच में टंगड़ी मारना चाहे तो मुंह अंधा ही हो जाए। मनुष्य को क्षमा अपने आप से मांगनी चाहिए। अपने आप से क्षमा मांगोगी तो उजाला हो जाएगा। अपने आप से क्षमा मांगोगी तो उजाला हो जाएगा। जिस दिन मैं तुम्हें एक बार फिर हासिल कर सकूंगा उस दिन ये लत खुद ब खुद छूट जाएगी। अपने आप से क्षमा मांगूंगी। निशा आज बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ बुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश हूँ कि मुझे मेरी गलती मालूम हो गई है। पश्चाताप में कितना सुख मिलता है ना बुआ। अच्छा मैं सुंदरी के घर जा रही हूँ। अरे सुंदरी मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास आ गई? मतलब तो पास आने से है ना। कल मेरा बर्थडे है तो पिताजी ने जिद की तुम्हें रात के खाने पर जरूर बुलाऊं। अरे ये कितने मजे की बात है, कल मेरा भी बर्थडे है और मैं भी तुम्हें रात के ही खाने पे बुलाने जा रही थी। जरूर आओगी ना? लेकिन पहले तो मैंने तुम्हें बुलाया। मैं ऐसे हार थोड़ी मानूंगी। कल रात के खाने पर मैं आऊंगी, लेकिन दिन के खाने पर तुम और प्रदीप जरूर आना। और हाँ, हमारी सास जी को भी ले आना। जरूर। हैप्पी बर्थडे सुंदरी। थैंक्स प्रदीप। मैंने फैसला किया है कि इस जन्मदिन पर श्याम और निशा को मिला दूं। श्याम को खत लिखा है कि आज वो निशा के घर जरूर आए। वो निशा से बहुत नाराज है प्रदीप, इसलिए तुम ही उसे वहां ले जा सकते हो। मेरा ये काम जरूर कर देना। हाँ सुंदरी। ये रहा खत। महेश्वरी कक अल्ले 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 अल्ले। बात क्या है, आज हमारी बेटी बहुत खुश है। अरे हाँ, आज तो तेरी सालगिरह है। जीती रहो जीती रहो। पिताजी मुझे आज अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। क्या दे? लंबी उम्र। लंबी उम्र मैं क्या करूंगी पिताजी। आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्याम और निशा को मिला सकूं।
मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी, जीती रहो। रोती क्यों है पगली? आज तक तू मेरे साथ रोती रही, लेकिन अब आगे कभी मत रोना। आज आज मैं तुझे तेरे पिताजी के हवाले करने वाली हूँ। वो हंसना भूल गए होंगे, पहले वो बहुत हंसा करते थे, तू फिर से उन्हें हंसना सिखा देना, सिखाएगी ना? शाम, क्या हुआ? सुंदरी ने जहर खा लिया है प्रदीप, चलो। निशा, सुंदरी, अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। देर से आकर के अपनी शामत बुलानी थी। जरा इसे संभालो। लो ऑयल 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 जी। जन्मदिन मुबारक हो निशा। बड़ी आई जन्मदिन की मुबारक देने वाली, मेरे जन्मदिन पर खाली हाथ जुलाती चली आई। मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? मेरा बर्थडे गिफ्ट तो तुम्हारी गोद में है। ये तोहफा तो बहुत ही कीमती है, पर एक गड़बड़ हो गई सुंदरी, मैं आज शाम को नहीं आ पाऊंगी। क्यों? अचानक कहीं और जाना निकल आया, इसलिए अपना बर्थडे गिफ्ट तुम यही ले लो। इसे लो। मैं भी आऊं। ये तुमने क्या किया सुंदरी? मैं तो तुम्हारे रास्ते से हटना चाहती थी। तुम मेरे रास्ते में हो ही नहीं तो हटोगी कैसे? सबके रास्ते की दीवार तो मैं हूं, तुम्हारे और शाम के बीच की दीवार, प्रदीप और कुसुम के बीच की दीवार। मेरे हट जाने के बाद दिलों से दिलों तक जाने वाले सारे रास्ते साफ हो जाएंगे, है ना? सुंदरी, तुम्हारा ये रंग, ये मौत का रंग है निशा। सुंदरी, 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 आज आज मैं तुम सबकी जुदाइयां समेट कर अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं मर रही हूँ श्याम। सुंदरी, सुंदरी, मरना मुझे भी आता है सुंदरी। जो काम आता है वो करने में क्या मजा श्याम, जीना सीखो और निशा को जीना सिखाओ। सुंदरी, सुंदरी, तुम दोनों अपने प्यार की धूप छांव में मेरी बेटी को पाल के बड़ा करो। निशा, निशा, आज आज मैं तुम्हें अपना शाम दे रही हूँ, अगले जन्म में इससे प्यार न करना, कभी ना कभी शाम मुझे मिलना चाहिए ना। सुंदरी, और प्रदीप, अपनी अपनी और कुसुम की पहली बेटी का नाम सुंदरी रखना। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ प्रदीप। और सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी,
आ, 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 आ,